प्यारे दोस्तों, आजकल आपको ज़्यादातर वीडियोस पटाखों की जो दुकानें हैं कुराली में उनकी दिखा रहे हैं, लेकिन आज हमने एक बहुत बड़े पहलवान हैं जो इंटरनेशनल, उनकी भी वीडियो शूट की है। आपको जल्दी उनकी बातें सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने इतना लोहे जैसा शरीर बनाया। लेकिन अभी दिवाली में बहुत टाइम पड़ा है, काफ़ी दिन पड़े हैं, तकरीबन 20-22 दिन पड़े हैं, लेकिन पटाखों की सेल बहुत ज़्यादा हो रही है। इस बार लोग बहुत सारे पटाखे बजा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, लोगों की ज़िंदगी चेंज हुई है, लोगों का जीने का ढंग चेंज हुआ है। ये देखिए पटाखे पैक होके कहाँ कहाँ जा रहे हैं, देखिए आप पटाखे पैक होके कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ये पैकिंग हो रही हैं। ये पटाखे कहाँ जा रहे हैं भाजी? अच्छा, कुराली में आगे आपकी दुकान से आगे दुकानदार भी लेते हैं कुराली में ही? मतलब आप होलसेलर के भी होलसेलर हो? हाँ जी। तो ये कौन, मतलब बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनकी दुकानों पे भी जा रहे हैं? अच्छा, तो अगर वो मेन रोड पे जो मार्केट में बैठे हैं वो कहते हैं हम होलसेलर हैं, तो वो आपसे लेते हैं? नहीं, वो भी यहीं से लेकर जाते हैं। अच्छा, होलसेलर यही है ना? मैंने सुना था कि जो सबसे बड़े होलसेलर हैं तो यही है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो सूद, एक पूरी कंपनी का क्या नाम है? ये राकेश सूद एंड संस है। अच्छा, ये कितनी पुरानी कंपनी है? पटाखों काफी पुरानी है जी, 50-60 साल पुरानी। 50 तो इतना नहीं, मुझे मालूम 20-25 साल तो होगी। 20-25 साल तो आपकी मन में है कि ये चीज है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो बाहर भी जा रहे हैं आपके पटाखे? बाहर भी जा रहे हैं, मतलब बाहरली स्टेट्स में भी है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कौन कौन सी स्टेट में? हिमाचल के लोग हैं? हिमाचल के बहुत आ रहे हैं, जलंधर में बहुत आ रहे हैं, आगरे, इनके समान आगरे में भी गया है। अच्छा, हाँ जी, हाँ। अच्छा, वो उल्ट जा रहा है उधर, हाँ यूपी साइड, हाँ, दिल्ली से? हाँ जी, यही तो मैं बोल रहा था, कमाल हो गया। अच्छा, तो इनका मार्जिन बहुत ही कम, मतलब पैसों में होगा ना? बिल्कुल सही है, पैसों में मार्जिन होगा ना, इसीलिए ना। तो ये जैसे बाकी दुकानदार रेट्स वगैरह बता देते हैं, उसके बाद वो जब जाते हैं दुकान, वीडियोस होती हैं जो, जब दुकान पे जाते हैं लोग तो वो रेट नहीं दे पाते, ये क्या? वो तो इनसे पूछना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, रेट है वो तो, मतलब कि औरों से सही है रेट इनका। आप लेके जा रहे हो खुद? हाँ जी, मैं खुद लेकर। अच्छा, आपकी शॉप का क्या नाम है? मेरी इंदिरा फायरवर्क्स है। अच्छा, इंदिरा फायरवर्क्स है, यही कुराली में? अच्छा, मेन रोड पे है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आपको भी, आपकी दुकान पे भी कवर अप करने आएंगे हम तो सारा, है ना? आप अपना फोन नंबर देके जाइएगा प्लीज, तो इनसे बात कर रहे। ये देखिए सूद, जो पटाखे वाले राकेश सूद, इनकी तो पूरी फैक्ट्री टाइप ही है, दुकानदार भी इनसे खरीदते हैं पटाखे, है ना? ये काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि आपको वीडियो ये दिखाई जाए, काफी लोग दूर दूर से आए हुए हैं। सूद साहब नमस्कार, हाथ क्यों जोड़ रहे हो आप? नहीं, इतना प्यार दिखा रहे हो, इतना बड़ा आदमी हाथ जोड़ के क्यों खड़ा है? हैं जी, हम तो छोटे से बंदे। तो कितनी देर से आप पटाखों का काम कर रहे हैं, ये फर्म कब से है? ये 25 साल हो गए जी काम करते हैं। अच्छा, आपके मतलब फादर भी करते थे? हम, मैं वो छोटे ब्रदर है, हम लोग 25 साल से मतलब इस काम को कर रहे। अच्छा, इसी जगह पे कर रहे हो या और कहीं था? पहले कहीं और पे करते थे जी, अभी यहाँ पे 10-12 साल हो गए यहाँ से। ये मेरी, मुझे पहली दुकान मिली यहाँ, बोल रहे हैं कि आपसे पटाखे खरीदते हैं जो दुकानदार कुराली में भी है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मतलब आप होलसेलरों के होलसेलर हो? छोटी सी दुकान है जी। हाँ, भगवान की ऊपर निगाह रखते हो आप, ध्यान रखते हो इसीलिए ना, हाथ भी जोड़ते रहते हो, दो मिनट बाद अभी भी जोड़ के खड़े हो। तो बताइए आपका थोड़ा पटाखे थोड़े दिखा दिए कोई स्पेशल, कितना, कहाँ कहाँ से लोग लेने आते हैं? अपने पास जी सारा, ऑल ओवर इंडिया, हिमाचल, हरियाणा। अभी वो बता रहे थे आगरा से कोई लेके गया है ना, मैं क्या उल्ट होगी, गंगा उल्ट बहने लगी है। राजस्थान से लेके गए हैं, अहमदाबाद, आनंद से, गुजरात से। ये क्या कॉज है ये, मतलब उनको वहाँ फैक्ट्री जो कहाँ श्वास की क्या? हाँ, यहाँ पे होलसेल है जी, पुरानी मंडी है ये। अच्छा, 60 साल से पुरानी मंडी है यहाँ पे जी, पूरे ऑल ओवर पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह यहीं से जाते हैं। सुसाब, एक बार नहीं समझ आई, जो दुकानदारों ने ये काम शुरू किया था 60 साल पहले, 5-6 हट्टी बोलते हैं जैसे, है ना, तो वो नहीं ऐसे एक्सपेंड कर पाए अपने काम को? नहीं, वो हट्टी है जी, ये पटाखा है जी, ये दिवाली पे हर, नहीं वो तो हट्टी है, मतलब छोटी छोटी दुकानें उनकी मैंने देखी अभी। सारी सब ये पटाखा एक ऐसी चीज है जी, दिवाली पे चाहे छोटा बंदा हो चाहे बड़ा दुकानदार हो, ये सबको मुनाफा देके जाती है। कुराली में अभी कितनी दुकानें खुल गई है?
कुराली में अभी तो स्टार्ट हुआ है जी, जैसे 2 महीने से काम स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, रखड़ी के बाद शुरू हो जाता है। नहीं, आपकी तो दुकान परमानेंट ही लगी रहती होगी, लोगों की तो दो तीन महीने भी है बोल रहे हैं। हमारी सारा साल यहाँ पे हम लोग बैठते हैं। अच्छा, टोटल पूरा साल ही, क्योंकि शादियों वगैरह के और चीजें है ना, फंक्शन होते हैं। आजकल हर जगह पटाखे बज रहे हैं, हर के इवेंट पे, बर्थडे हो, शादी हो, है ना। लोगों का ट्रेंड है जी, लोग ट्रेंड बदला है, लोगों का फंक्शन इसके बिना अधूरा है जी। जैसे फंक्शन होते हैं तो इनके बिना वो अधूरा समझ। पटाखों की सेल बढ़ रही है ना। हाँ जी, बिल्कुल, है ना। तो दुकानें बेशक जितनी मर्जी बढ़ जाएं, लेकिन पटाखों की सेल बढ़ रही है। ये बाय करने आए हैं पटाखे जी? ये हाँ जी, लेने आए हैं। ये हरियाणा से मेरे मित्र आए हुए हैं ये। अच्छा, हरियाणा से लेने आए? वो भी आए। कहाँ से आए हो सर आप? पानीपत से। देखो, इतनी दूर से, दिल्ली के पास से इधर को गंगा बह रही है, कुराली का नाम रोशन कर दिया पटाखों वालों ने सबने। देखो दुकान पे कितनी भीड़ है ना। थोड़े से आप पटाखे दिखा देंगे कोई स्पेशल? और रेट वगैरह की बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा तो खुला भंडार है जी। हमें रेटों की टेंशन नहीं है जी। हम सब यहाँ पे, वो कहीं और से आए हुए हैं, ये हरियाणा से नहीं। पता, कमेंट आ रहे हैं, मैंने ना एक दो वीडियोस पाई तो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ जो बोला हुआ है वीडियो में, तो हम जब वहाँ जा रहे हैं तो वो रेट नहीं मिल रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक दो पटाखे का, एक का भी बता दोगे ना, वही रेट दे दोगे। हमने वीडियो में पहले दिए हुए हैं, 25 रुपए की बुलेट की डब्बी दी है, वो दे रहे हैं। अच्छा, दुकानदार का सामान निकल रहा है, ये देखो जी। आप इसमें जो रेट बोले हुए हैं वही लगे हुए हैं। हम पिछले 5 साल से यहाँ पे पटाखे लेने आ रहे हैं। आपका नाम क्या है जी भाई? मेरा नाम अनुज है। अच्छा जी, 5 साल से भी ऐसे पटाखे लेने आ रहे हैं। हाँ। जो चीज बोलते हैं वही। खाना तो सुखदेव ढाबे की खाते हो? बिल्कुल, मेरा दोस्त है, जिगरी है ना सुखदेव। तो जो भी आप बोलते हैं बिल्कुल वही सामान मिलता है। अगर कोई सामान हल्का है तो हल्का कह के देते हैं, बढ़िया है तो बढ़िया कह के देते हैं जी। यही दुकानदारी होती है असली, है ना, कमाई ऐसी। अगर आपको कोक का सामान चाहिए तो कोक का सामान भी मिलेगा, अगर आपको रेट वाइज चाहिए तो वैरायटी भी मिलेगी और रेट वाइज भी आपको आपके बजट में सामान मिलेगा जी। तो बड़ी अच्छी बात है, अगर कोई 5 साल से आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है आपसे, है ना, तो आप जरा पूरा शोरूम विजिट करवा दिए 2 मिनट बस। और इतनी फैसिलिटी है, आप फोन पे भी इनको ऑर्डर लिखवाओगे तो आप घर बैठे ये संतुष्ट रहोगे कि भी आपको बिल्कुल ओरिजिनल और जो सामान कहा गया है आपको घर बैठे आपके डोर स्टेप पे सामान मिलेगा जी। अगर पानीपत में आपसे लेना हो किसी ने, आपका भी तो बहुत नजदीक नहीं, आपसे नहीं, आपसे लेना हो किसी ने, वो भी आप बोल दीजिए, आपका भी ब्रांड बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना नाम ब्रांड का? ब्रांड है सूत साहब। देखो, इतनी देर से प्यार बन जाता है, रिश्ते बन जाते हैं। सूत साहब, जरा चक्कर एक लगवा दीजिए आपके शोरूम का प्लीज। ये देखो जी, यहाँ सबसे बड़ा भंडार है पटाखों का। बड़ी 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 डब्बे बंधे जा रहे हैं, देखो पैकिंग हो रही है। ये डिब्बे कहाँ जा रहे हैं सर? ये सर हिमाचल जा रहे हैं। अच्छा, वो अपना दिल्ली अपना पानीपत जा रहा है जी। ये देखिए, आपको ट्रक दिखा रहे हैं, भर भर के जा रहे हैं ना। तो ये सिर्फ दुकानदारी है कि कुछ पैसों पे कई लोग खेलते हैं, है ना, वो ही दुकानदारी होती है। कुछ पैसों पे खेल के लेकिन बल्क में सामान भेजना, है ना। आप दिखाइए सर, बस एक बार चक्कर लगवा दिए। ये कोई जा किसी आइटम का एक रेट बता जो सबसे सस्ता आप हम दे पाए। सस्ता हमारे पास, जैसे अभी हम 1000 रुपए की लड़ी बेच रहे हैं, जो 10,000 वाली, 1000 की स्टार्ट होती है। 1000 वाली? अच्छा, वो 165 रुपए से स्टार्ट है हमारे। 1000 वाली 165 में? हाँ। और बुलेट है हमारा, ये 10,000 वाली कितने में है? जो वो मतलब 1900 से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, आगे बढ़ते जाता है रेट। यही कुराली में वही आपसे लेके 3000 की बेच रहे हैं? हाँ, देखो सबने रोटी खानी है। 1100 रुपया यहाँ एक सड़क पार करके फर्क पड़ गया है। सबने रोटी खानी है। नहीं, रोटी तो सबको खिलाएंगे हम। तो आप ही लेने आए हो सर? कब से आ रहे हो? कब से आ रहे हो? 22 साल। ओ माय गॉड, देखो ये उससे भी पुराने मिल गए हैं 22 साल। ये क्या लेके जा रहे हो सर? ये 288। ये अपने लिए लेके जा रहे हो? नहीं नहीं, ये बेचने के लिए। अच्छा, आप सेल के लिए लेते हो। ये कितने का है? ये 1250 रुपए का जी। इसमें 1450 रुपए का, 1650 रुपए का, 3 वैरायटी है इसमें। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है। तो और कोई पटाखा, सबसे महंगा पटाखा कौन सा है सूर साहब? लोगों को बताएं कि ये महंगा और सबसे सस्ता। सबसे महंगा जी 1000 शॉट है, 500 शॉट है। 1000 शॉट कितने का? नहीं, सबसे महंगा कोई 10,000 शॉट जैसे आपने बोला, उससे भी 1000 शॉट होता है जी, वो सबसे महंगा। अच्छा, वो कितने का है? वो मेरे को अभी नहीं अंदाजा ही, वैसे ही हम तो कह रहे हो क्योंकि किसी ने 500 शॉट का रेट पता है। कितना? 500 शॉट हमारे पास जैसे शुरू हो जाता है 55-56 रुपए से शुरू हो जाता है, वो 9000 रुपए तक वो पड़ा है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था, जब से आपने दुकानदारी किया सबसे महंगा पटाखा कौन सा बेचा? लोगों को ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। यही है जी, बस 5-7 हजार। 500 शॉट हो गया, 1000 शॉट ये महंगे। 1000 शॉट 10,000 का होगा ज्यादा से ज्यादा, मतलब थोड़ा प्लस। हाँ, प्लस माइनस। नए शॉट शुरू हो गए हैं, पाइप वाले हैं। अच्छा, 5400, 5500, 6000। ये तो एक ही रेट है, मतलब ज्यादा से ज्यादा, है ना। ये ऊपर भी आपका सारे पटाखे पटाखे हैं। हाँ, एक मिनट विजिट करवा दीजिए बस जल्दी आपको भी।
बहुत से लोग आए हुए हैं जी, माफ करना ये इनकी दुकानदारी भी थोड़ी खराब हो रही है ना। ये क्या चीज है सर ये लेके बैठे हैं, ये वाला पटाखा? अच्छा अभी रावण के लिए स्पेशल है ना, मतलब काफी धमाका होता है, काफी। अच्छा कितने का होता है ये? 30 रुपए का है। अच्छा सिर्फ 30 रुपए का, चलो। ये पीकॉक अनार हो गया। अच्छा जी, फैंसी आइटमें हो गई। हाँ जी, चलो। अच्छे लोगों से मिलकर अच्छी बातें कर कर लोगों का यही है कि उनकी बातों को आप सुने, और ये सब मुझे लग रहा है कि सब कुछ ओरिजिनल, देखो भरा पड़ा है पूरा गोडाउन। हाँ अच्छा, ये सारे शॉर्ट्स हैं? ये स्काई शॉर्ट्स हैं सारे जी, जो शादियों में, फंक्शन में, आईपीएल मैचेस में। अच्छा, कभी आईपीएल मैचेस में भी आपसे लेके गए हैं कभी? बहुत बार गए जी, ये 240 शॉट है जी। अच्छा, 500 शॉट पड़े। आईपीएल मैच के लिए कौन आपको फिर कांटेक्ट करता है? बहुत है, आगे से आगे एजेंसी उन्होंने लिए होते हैं। हाँ, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना। ये 240 शॉट है जी। ये कितने का सर? ये हम कितने का देते? 4884 रुपए का पड़ता है जी। ये कॉक का हो, मतलब ये थोड़ा सा 4800 से 2200-2400 से शुरू हो जाता है। अच्छा, मतलब थोड़ी बढ़िया वाला 2600-2800 तक मिल जाता है जी। अच्छा जी, ये 500 शॉट है जी ये वाला। आपका तो सूर साहब 24 घंटे का भी काम हो जाता है मैंने सुना है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो दिवाली के टाइम ही? हाँ जी, हाँ जी, रात को पैकिंग चलती है जी, लड़के पैकिंग करते हैं। अच्छा, आप इधर ही रहते हो उस टाइम? ये तो तपस्या ही है समझो, है ना। आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है गाकों को खुश देखकर? काम मेहनत जिस चीज के लिए जहाँ से शुरू किया था, अब थोड़ा छोटा किया था, बहुत छोटा किया था। 8000 रुपए की स्टार्टिंग की थी, 8000 रुपए की पूरा फट लगाते हैं, वहाँ से स्टार्ट किया था काम, वहाँ से लेके अभी ये होती है मोटिवेशन। 8000 से काम शुरू करके करोड़ों में काम हो गया आज तो, लेकिन ईमानदारी पूरी है उसी नाले काम में। हाँ तो ये देखो गाहक आए हुए हैं, इनसे भी पूछते हैं कि कैसी सेटिस्फेक्शन है यहाँ से सामान लेके इनको। तो सूर साहब भी साथ में हैं, इनका टाइम बहुत कीमती है, लेकिन फिर भी सर आप कहाँ से आए हो? हरियाणा से आए जी, यमुनानगर से। यमुनानगर से कब से ले रहे हो पटाखे सूर साहब से? हो गए जी 5-6 साल। 5-6 साल खुश हो, सेटिस्फाइड हो, हर बार इसीलिए आ रहे हो, है ना। अच्छा आपकी दुकान है वहाँ? वहाँ पे हाँ जी सेल करते हैं। अच्छा, आप कितने साल से कर रहे हो काम? 5-6 साल हो गए जी। बस काम उसी टाइम से ही कर रहे हो, है ना। हाँ देखो ये हरियाणा से तो बहुत से लोग आए हुए हैं ना पटाखे खरीदने। सू साहब कोई स्पेशल एक पटाखा लास्ट दिखाना चाहोगे जो लोग स्पेशल अभी तो सारे ही हैं जी अपने पास? नहीं कुछ स्पेशल आइटम जैसे इस साल ही आई हो, है ना। वो 500 शॉट्स हैं जी ये पड़ा जी ये पीछे, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा उल्टा ये दिखाना निकाल। हाँ जी, ये जी नए आजकल तो देखो कितने सोने सोने मुंडे दो आए हैं, एक सरदार जी, एक काम करने लग गए लोग, सारे काम का शौक पड़ गया है पूरी दुनिया को, है ना। बीमा के शॉर्ट्स पड़े हैं जी ये वाले। भाजी हरियाणा का क्या बन रहा है इलेक्शन का, कल आना रिजल्ट? कल रिजल्ट आ रहा है सुबह। किसको सपोर्ट करते हो आप? हम बीजेपी को। बीजेपी को तो क्या बीजेपी आ रही है, क्या आपके मन में क्या चल रहा है? देखो एग्जिट पोल तो आ गए हैं, हमारी विधानसभा की 4 सीटें हैं, लेकिन एग्जिट पोल तो कांग्रेस की फेवर में आ गया ना कल कल कल। अच्छा उसकी सीट का क्या बनेगा, विनेश फोगट की? वो ले जाएगी, उसका तो प्रभाव है ना। तो ये देखिए जी सबसे बल्ले बल्ले लिखा है इस पे 500 शॉट्स। ये कितने का सर हुआ, ये कितने का सर? आइडिया लगा के चलो, आइडिया से शुरू हो जाते हैं आगे। अच्छा जी, मतलब 6000 से शुरू हो जाते हैं। ये क्या चीज है सर? ये भी शॉर्ट से आजकल नहीं चल रहे। अच्छा एक ही शॉर्ट में पूरा चल जाएगा? छत्ती शॉर्ट है जी, छत्ती पाइप है इसमें, छत्ती पाइप है। तो एक आग लगाएंगे तो सभी चल पड़े। सूर साहब आप लोगों को क्या मैसेज दोगे कि पटाखे जो बहुत बड़े बड़े हैं कैसे ध्यान से चलाएं? फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए उनको, अच्छी कंपनियों के पटाखे चलाएं। अच्छा मेन तो ये है, ग्रीन वो साइन देखे हैं, पटाखे ग्रीन सीन भी देखे हैं ना। हाँ जी, देखो नॉन ब्रांड हम लोग 25 साल से काम कर रहे हैं, हम लोगों ने कभी देसी पटाखा बेचा नहीं है क्योंकि बच्चों ने भी चलाना होता है, हमारे खुद के बच्चे हैं, तो हम लोग ये कभी करते नहीं है कि हाँ कोई गलत कभी चीज बेचे। दोस्तों अपनी सेहत से खिलवाड़ ना करें, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ राकेश सूद एंड कंपनी से अपने पटाखे खरीदे। सूद साहब लास्ट में अपना नंबर और प्रॉपर एड्रेस बता दें प्लीज। सर कुराली, अब जब आप पहुँचते हो तो एक ही हमारे यहाँ पे जो है, यहाँ पे संत निरंकारी भवन है हमारे जी,
उनके बिल्कुल साथ में ही हमारी शॉप है राकेश सूद एंड सन्स बडाली रोड पे बोलते हैं। आपको फोन करके कैसे आए कोई? फोन पे थोड़ा किसी का भी कोई नंबर समझ आता हूँ कि फोन ना उठा नहीं पा रहे हैं, किसी एम्प्लॉय का नंबर हो कुछ भी सर, नंबर सारे लड़के जो स्लिप भी बनाते हैं डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, नंबर व्हाट्सएप पे आप वॉइस मैसेज भेज दें, हम डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेजेस भेजें तो ये खुद इनका कोई एम्प्लॉय कॉल करेगा आपको। लेकिन ये सच्चाई है, मैंने देख लिया यहाँ इतने लोगों से बात करके कि जो बोलेंगे वो ही करेंगे, ऐसा बंदे की शक्ल पे भी लिखा होता है। तो आपको किसी अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, अलविदा।